आपका नाम? गुलशन। गुलशन, और आप कितने दिनों से आ रही हैं? यहीं की रहने वाली हैं? मैं हाजी कॉलोनी की रहने वाली हूँ। हाजी कॉलोनी की? हाजी कॉलोनी की रहने वाली हैं। तो यहाँ शाहीन बाग के धरने में आते आते गुलशन को लग रहा है कि वो नागरिक बनी है, नेता बनी है? जी सर, बिल्कुल लग रहा है कि हमने अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी आजादी के लिए कुछ कर रहे हैं, कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। बहुत ही इमोशनल करने वाला है। क्यों इतना आपका दिल टूटा है इन बातों से? इतने साल हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सब यहीं के रहने वाले हैं, और आज हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे प्रूफ दिखाएं। हम क्या, हमारे जैसे कितने लोग हैं आप देख सकते हैं, कितने दुख है कि हमें भारत के रहने वाले, और हमसे कहा जा रहा है कि हम बताएं, हम प्रूफ दें कि हम भारत के हैं या नहीं है। तो बहुत दिल टूटा हुआ सर, बहुत दिल। रातों या दिनों मांगेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए। तो ये लड़ने का इरादा आया है आपको? जी सर, आजादी के लिए। हम नहीं चाहते सीए आए, एनआरसी आए, ये हमारे जैसे कितने लोगों के लिए, मेरे माँ बाप है इंडिया के, ये मेरे पास प्रूफ है, लेकिन मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं यहाँ पर। सभी इसीलिए आए कि हम अपने जैसे और भी बहन भाई हैं। हमेशा आने का, हम मुसलमानों का नागरिकता नहीं देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं देंगे नागरिकता? क्या उनका भारत नहीं है? एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, हम मुसलमानों को भी नागरिकता देंगे। क्या वो इस देश के नहीं है? इस बात पे हमें गुस्सा है, और कोई बात नहीं है हमें। वो एक बार पर कह रहे हैं कि वो बाहर की बात है, वो बाहर के तीन देशों की बात। साफ साफ इंटरव्यू में कहा है कि एनआरसी जब आएगी तो हम सबको नागरिकता देंगे, हिंदू को, ईसाइयों को, क्रिश्चियन को, पर हम मुसलमानों को नहीं देंगे। क्यों? मैंने आपसे ये कहा था शुरू में कि हम एंकरों को बोलने की बहुत आदत होती है, और सारा स्पेस हम अपने बोलने से भर देते हैं, तो मैं कम बोलूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये गुलशन है, यहीं की रहने वाली हैं। हम जब इंटरव्यू करते हैं तो लोगों की आंखें छलक आती हैं, और हमें तरीका वो मालूम है कि कैसे सुनना है और कैसे बात को आप तक ले जाना है। अगर इस मुल्क में एक आदमी का भी दिल इस बात से दुखा है कि उसे पराया समझा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी है कि आकर गुलशन को कहे कि नहीं, हम सब तुम्हारे हैं, तुम भी हमारी हो। मैं आपको कैमरा मोड़ के दिखाना चाहता हूं कि इनकी गोद में अंबेडकर की तस्वीर नहीं होती। अगर मजहब की ये लड़ाई होती, जैसा कि मीडिया बना रहा है कि ये मजहब की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई नहीं है, तो अंबेडकर नहीं होते, इनके हाथों में तिरंगा नहीं होता। ये फर्क आपको समझना है कि आखिर हम इस मोड़ पर कहां आ गए, कैसे पहुंच गए कि किसी को लगने लगा कि उससे उसकी वतन परस्ती, मुल्क के प्रति मोहब्बत का प्रमाण मांगा जाएगा, कुछ कागज मांगा जाएगा। 20 दिन हो गए, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमें कुछ तो सोचे, कुछ तो तसल्ली देते। वो इतना ही कहते कि नहीं, जैसे हम हिंदू को और ईसाइयों को सबको देंगे, तो हम इतना, वो ये भी कहते ना कि मैं मुसलमान भाइयों को भी नागरिकता दूंगा, तब भी हम सब सुकून से बैठ जाए। तो ज्यादा आपको डर एनआरसी को लेकर है? एनआरसी और सीए को लेकर है सर।